धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आशीर्वचन के लिए अनुरोध करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर तमाम हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे अर्जुन बामनिया जी और इस समारोह से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर बी डी कल्ला जी, प्रसादी मीणा जी, रघु शर्मा जी, उदयलाल आंजना जी, प्रताप सिंह खाचरवास जी, प्रमोद भाई जी, गोविंद सिंह जी दोतासरा, ममता भूपेश जी, सालिम मोहम्मद जी, भमर सिंह जी भाटी, टीकाराम जी जूली, अशोकराम जी विष्णोई, अशोक चांदना जी और हमारे साथी महेंद्र जी सिंह मालिया साहब, चेयरमैन एसटी वेलफेयर कमेटी राजस्थान असेंबली, सभी सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, चीफ सेक्रेटरी साहब आर्या जी, कुलदीप राका जी, अखिल अरोड़ा जी, शिखर अग्रवाल जी, प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्र विभाग, तमाम अन्य तमाम अधिकारीगण, टीएसपी क्षेत्र से जुड़े तमाम साथियों और प्रदेशवासियों, मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व के अंदर आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त का महत्व हमारे आज़ादी के जंग में भी बहुत बड़ा है। जब भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने और विश्व आदिवासी दिवस भी है, सुखद संयोग है। और आदिवासियों के प्रति जो भावना है वो आप सबको मालूम है कि जब से देश आज़ाद हुआ उसके पहले से ही हमेशा अलग पहचान रही है। आदिवासियों के बारे में हमेशा चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे बाद में राजीव गांधी जी थे, प्रधानमंत्री बनते उन दौरे शुरू किए थे आदिवासी क्षेत्रों में, उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, और उन सबको ये एहसास रहा है सरकारों को कि आदिवासी लोग जो है आज भी प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को और परंपराओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे साथियों की मांग थी जैसलमेर के अंदर और तमाम हमारे जो ट्राइबल के हमारे विधायकगण हैं उनकी मांग का सम्मान करते हुए हमने आज के दिन पूरे राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करी थी। आदिवासियों का इतिहास वास्तव में स्वाभिमान का इतिहास रहा है क्योंकि श्रोमणी महाराणा प्रताप के साथ में भी आदिवासियों का राणा पूंजा जी और वीर समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान वीर गाथाओं में आज भी लोग याद करते हैं। तो शुरू से ही आदिवासियों का अलग से मान सम्मान समाज में रहता है, चाहे वो वागड़ क्षेत्र का आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान किसी कोने का आदिवासी हो। और तो जो हमारे आदिवासी जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर की तरफ भी बिखरे हुए हैं उनके लिए अलग से हमने बोर्ड बनाने का फैसला किया है जैसलमेर के अंदर। तो मुझे खुशी है कि आज एक साथ में 68 कार्यों का शिलान्यास और 43 कार्यों का उद्घाटन संभव हुआ करीब 267 करोड़ रुपये लागत से, जिसमें सिंचाई के काम भी है, माँ बाड़ी केंद्रों के काम भी है, आंगनबाड़ी भवनों के काम भी है, आवासीय विद्यालयों के काम भी है, वन अधिकार अधिनियम का जो अभियान शुरू होगा 3 महीने के लिए उसकी घोषणा भी है, वन अधिकार पोर्टल का शुभारंभ भी हुआ है जिससे कि बहुत आसानी हो जाएगी आदिवासियों की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, आईटीआई के काम भी है और जल जीवन मिशन जो है पीएचडी विभाग उसके काम भी है।
पर मुझे इस बात का गर्व है कि आदिवासियों, मैंने कहा वहाँ की सभ्यता संस्कृति परंपराएं महान हैं, कई बार जाने का अवसर मिलता वहाँ पर। और मैंने देखा संत मावजी महाराज का क्या संदेश है वागड़ समाज के, वागड़ एरिया के लोगों के अंदर, वो सब जानते हैं। संत गोविंद गुरु हुए वहाँ पर, मानगढ़ी पहाड़ियों में किस प्रकार से आदिवासी लोहा लिया अंग्रेजों के राज के अंदर भी, वो भी जले वाला बाग की घटना की तरह घटना थी, जो ज़्यादा प्रकाश में नहीं आ पाई थी। हमने बाद में वहाँ पर स्मारक का निर्माण भी किया है। तो गोविंद गुरु हो, चाहे वो आदिवासी वीरबाला कालीबाई, जिसका हमने कल ही उनके नाम से हमने स्कूटी वितरण किया है, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसने शिक्षा में लड़कियों को एक मैसेज दे रखा है, तबने स्कूटी योजना जो थी अलग अलग विभागों की, उन सबको जोड़ के हमने आदिवासी वीर बाला कालीबाई के नाम से स्कूटी योजना रख दी है। और फिर 13,000 स्कूटी मिलेगी, पहले 2,000 मिलती थी, फिर 10,000 की घोषणा हुई। अब हमने जो हमारे हैंडीकैप बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जोड़ दिया, 2,000 स्कूटी उनको मिलेगी ट्राईसाइकिल वाली। इस प्रकार से लगातार हमने प्रयास किया, किस प्रकार से जिन्होंने आज़ादी के जंग में एक मैसेज दिया, त्याग किया, बलिदान किया, उनको हमेशा याद रखा जाता है। नाना भाई खाट, भीखा भाई भील तो मेरे साथ जब मंत्रिमंडल में मेंबर भी रहे थे, मंत्री रहे थे, लंबा उनका इतिहास है, पूरे देश में उनकी पहचान रही है भीखा भाई भील की। और आज़ादी के वक्त से ही लगातार वे सरकार में भी रहे हों, चाहे मेंबर पार्लियामेंट रहे, हम लोग साथ साथ में, हमेशा उनका एक अलग तरह का ऑरा था। तो हमें गर्व है कि ऐसे लोग आदिवासी समाज में हुए हैं जिन्होंने प्राचीन सभ्यता को बचाने के साथ साथ में आज़ादी के जंग में भी हिस्सा लिया, वनों को बचाने का काम भी किया, और उसी रूप में उन्होंने अपना नाम भी रोशन किया। आदिवासियों में शहरी अलग है, कथोड़ी जाति अलग है, खैरवा अलग है, चित्रे आबादी अलग है। तो हम सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आदिवासी समाज से, उन सब का कर्तव्य हम एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि अलग अलग एरिया में आदिवासियों की समस्या अलग अलग है। वहाँ पर सरकार भी ध्यान रख रही है, शहरी आदिवासियों के लिए अलग से योजना बनाई गई है, कथोड़ी जातियों का अलग ध्यान रखा जाता है, बरेड के अंदर भी खैरवा का अलग ध्यान रखा जाता है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार अभी प्रसाद जी बोल रहे थे, जो भी सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ाएंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। मुझे इस बात का एहसास है कि 20 साल पहले जब सरकार हमारी थी और मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना था, तब हमने महाराष्ट्र पैटर्न की तरह राजस्थान में कैसे पैटर्न लागू हो ट्राइबल के लिए, वो प्रयास किया था। अब जो मांग अभी आप कर रहे थे गुजरात पैटर्न की, तो मैं चाहूँगा चाहे महाराष्ट्र पैटर्न हो, चाहे गुजरात पैटर्न हो, और चाहे वो तेलंगाना पैटर्न हो, अलग अलग बात आती रहती है, पर क्यों नहीं हम लोग एक प्रकार से कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सा पैटर्न ठीक रहेगा जो प्रैक्टिकली लागू हो सकता है। जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया हम लोगों ने, बजट में मैंने बजट किया, कैबिनेट में फैसला कर लिया, फिर बाद में लागू नहीं हो पाया। मुझे याद है कि जिस प्रकार लागू करना चाहते थे हम लोग, वो लागू नहीं हो पाया। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, अभी भी इस बजट में हमने करीब 14.53% का प्रावधान उपयोजना में रखा है, पर एक कॉन्क्रीट फैसला हो जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास और वहाँ के लोगों की भावनाएं वो उसमें सामने आ सके और ढंग से हम लोग काम कर सकें। जब कोई मौका लगता है तो हम लोग खुद आगे बढ़ करके कई फैसले करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार
जो विश्वविद्यालय बनाया था, किसी मांग नहीं थी, हमने खुद ने राजीव गांधी का जो प्रेम था आदिवासियों के प्रति, जैसे मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनते ही डूंगरपुर हो चाहे वो गुजरात या महाराष्ट्र या आपके वो उड़ीसा के क्षेत्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, वो गए थे, उनका लगाव था, उनके नाम से विश्वविद्यालय का नाम रख दिया। सरकार बदल गई, वो बाद में उदयपुर से शिफ्ट कर दिया बांसवाड़ा के अंदर। मेरी इच्छा थी कि शहर के बीच में विश्वविद्यालय बना रहता तो बाकी जो जाति हैं, वर्ग हैं, धर्म के लोग हैं, सब मिलके वहाँ रहते हैं, तो आदिवासी जो हमारे ठेठ आदिवासी जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो अपनी खुद की संस्कृति के साथ साथ में सभी जातियों की, धर्मों की, वर्गों की जो भावनाएं होती है, उपलब्धि होती है, उसे रूबरू होते और उसका फायदा मिलता। कल मैंने जब उद्घाटन किया मिनेश विश्वविद्यालय का, शिलान्यास किया कोटा के अंदर, तो वहाँ पहले भैरू सिंह काला बादल के नाम से हमने हॉस्टल बनवाया था, जमीन दी थी सरकार ने, हॉस्टल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। जब कल बच्चियों का इंट्रोडक्शन हुआ तो एक बच्ची केरला की थी, उसके अंदर कई विदेशी बच्चे आके पढ़ते वहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगा कि खाली जो लक्ष्मण मीणा जी ने बनवाया हॉस्टल, और वो हॉस्टल जो है खाली एक समाज का होता तो शायद वो बच्चियाँ अपने समाज के संस्कार तक ही सीमित रहती, और अगर उस हॉस्टल के अंदर विदेशी भी पढ़ते हैं, अगर केरला तक के बच्चे आगे पढ़ते हैं, तो सारे लोग हिंदी, अन्य भाषाएं, अलग तरह का आचरण व्यवहार, सब तरह की बातें उसमें होती। उस रूप में हम लोग, मैं समझता हूँ कि इस काम को हम कर सकते थे, जिससे कि आदान प्रदान हो विचारों का, संस्कार का, संस्कृति का, परंपराओं का, सोच का, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग तरह की होती है बच्चों के अंदर। ये सोच के हमने उदयपुर में विश्वविद्यालय खोला था, गोविंद गुरु के नाम का वो विश्वविद्यालय वहाँ बना, शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है नाम का। गोविंद गुरु भी बहुत बड़े संत हुए हैं, और जिन्होंने आदिवासियों को लेकर के किस प्रकार से संघर्ष किया अंग्रेजों के राज के अंदर, और सैकड़ों लोग मारे गए थे आदिवासी, वो देश भूल नहीं सकता। इसी प्रकार से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है, इसको भी हम लोग बराबर चलाते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी भी 19-20 के अंदर भी अम्बापुरा, बांसवाड़ा, पेपरकोट, प्रतापगढ़, सराड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में स्वीकृत किए गए हैं, और तीन तो अम्बापुरा में तो, और पीपलकोट में तो विद्यालय प्रारंभ कर दिए गए हैं। हृदय जोशी के नाम से कैनाल और भिकाबाई कि जो नया सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए हमने अलग से धनराशि आवंटित की है 25 करोड़ रुपये की। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त के अंदर आदिवासी क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो, और किस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के जो उनके वन अधिकार है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ढंग से, पहली बार बहुत लंबा संघर्ष हुआ आदिवासियों का, तो आखिर में वो संघर्ष काम आया और नया कानून पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में पट्टे महीने लगे हैं। अभी भी अड़चने आती है, कई बार असेंबली के अंदर भी डिस्कशन होता है, हम लोगों ने घोषणा करी वापस दिखवाएंगे, अब 3 महीने का अभियान वापस शुरू कर रहे हैं, और साथ में जो इसके लिए अलग से जो IT बेस ऐप शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और अपनी समस्या का निराधान करवा पाएंगे। हमने अनुपत्ति योजना शुरू कर रखी है बच्चों के लिए, जो अच्छे पढ़ाई में होशियार हैं उनको अच्छी कोचिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलवाना फ्री के अंदर, सरकार पैसा भरेगी वहाँ पर। अगर वो शहरों में जाकर रहेंगे तो प्रति वर्ष 40,000 रुपये उनको मिलेंगे,
रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो योजनाएं बनाने में कोई कमी रखी नहीं है। अभी भी जब कोरोना आ गया था तो हमने 5 लाख किट बांटे वहां पर मक्के के बीज के टीएसपी एरिया के अंदर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ये तो जो विकास कार्य काम का उद्घाटन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, वो काम तो जैसा जैसा आप बताएंगे हमें और जो विभाग है टीएडी का, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी वो करीब 434 आश्रम और खेल कॉलेज और बहुउद्देशीय आवासीय छात्रावास का संचालन कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। पर मैं चाहूँगा इससे आगे बढ़ करके, एक तो जो पैटर्न बनने की बात है गुजरात पैटर्न या महाराष्ट्र पैटर्न, उसमें काम आगे बढ़े, और दूसरा जो शिक्षा में और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि समय आ गया है, नई शताब्दी आ गई, जो राजीव गांधी का सपना था कि नई शताब्दी में ये मुल्क भी हमारा शिक्षित राष्ट्र रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े लोगों की, गरीबी और भुखमरी और जो ये बेरोजगारी है इसका अंत हो, गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है वो बंद हो, ये तमाम सपना राजीव गांधी ने देखा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सपने को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, और तभी हो पाएगा जब हम लोग, आज इंटरनेट की सेवाएं आ गई है, मोबाइल फोन हर हाथ के अंदर है, अगर इंटरनेट नहीं होता तो अभी प्रोग्राम चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये संभव नहीं, असंभव था, आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसको ओपन वीसी कर रखी है, तो पूरा प्रदेश पूरा देश देख सकता है जो देखना चाहे इसको। तो ये जो क्रांति हुई है, ये राजीव गांधी का जो मिशन था टेक्नोलॉजी का, उस वक्त में जो शुरुआत हुई थी उसके कारण से हमारे यहाँ पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं मजबूत गहर आ चुकी है, और उसका जो क्रांति हुई आप देखते हो हर विभाग के अंदर, हर काम के अंदर, आज पैसा भी डीबीटी हो रही है, सीधा पैसा पहुंचता है सरपंच के पास में या बेनिफिशियरी के पास में, कैसे संभव हुआ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुबारक मौके पर जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ हमारे साथियों ने, रवि मीणा जी ने भी लिख के दिया है कि राजस्थान हेरिटेज प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनी हुई है राजस्थान में, वो पैनल में बनाए आदिवासियों में, कई कई जगह ऐसी है जो धरोहर के रूप में, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में, अभी भी यहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था, रामकृष्ण मीणा जी ने उसको अच्छे ढंग से उठाया था जयपुर के पास में ही, आमागढ़ पहाड़ियों में। तो ये कुछ लोग ऐसे तत्व होते हैं जो धर्म के बीच में, जाति के बीच में, वर्ग के बीच में और संप्रदाय के बीच में, कैसे उनको फूट पैदा हो ये कोशिश करते, वहीं कोशिश हुई, और रामकृष्ण मीणा जी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको हल किया, और वैसे आदिवासी क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं, बड़े से धाम अपने आप में ऐतिहासिक है, जहाँ हम लोग ओवर ब्रिज बना रहे हैं कुछ 150-200 करोड़ की लागत से, वहाँ बनेज धाम का मैंने विकास बोर्ड बना दिया है। तो ऐसे जो स्मारक है, धरोहर है, इन सब की रक्षा कैसे हो, इसके बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ने बात कर ली है सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर से, और इसको पूरा दिखवा रहे हम लोग, पूरा सर्वे करवा लेंगे, और किस रूप में आइडेंटिफाई करें, उनका प्रोटेक्शन हो, उनका डेवलपमेंट हो, मैं समझता हूँ कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। पैनोरमा पहले बने हैं, पिछली गवर्नमेंट बने थे की जगह, हम चाहेंगे कि वो काम आदिवासी क्षेत्रों में बहुत योजना तरीके से हो, इस काम को महत्व देंगे। हमारे कुछ विधायकों ने भी
कुछ घोषणा की मांग करी। घोषणा का तो वक्त नहीं आज, क्योंकि घोषणा करने के पहले तो पूरा देखना पड़ता है कि उसका एग्जामिन करना पड़ता है डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाऊंगा तमाम साथियों जिन्होंने कि ज्ञापन भेजे मेरे पास में, तो आप निश्चिंत रहें, जो जो ज्ञापन मेरे पास मिले हैं उन सबको मैं डिपार्टमेंट में एग्जामिन करवाएंगे। उन कामों को जल्दी कैसे उनकी घोषणा हो या वो काम पूरे हों, इसमें पूरा प्रयास करेंगे। यही बात कहता हूँ मैं पुनः आपको, क्योंकि कहने को बहुत सारी बातें, पर आपको ध्यान है कि किस प्रकार से एक के बाद एक, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, उनके लिए भी बहुत स्कीम बनी है। और नौकरियों में आरक्षण भी, मुझे याद है 20 साल पहले हम लोगों ने पहली बार SC ST के जो आरक्षण थे वो 6% मिल रहा था राजस्थान के अंदर। हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही 6 से 12 किया आदिवासियों का, और SC का 8 से 16% किया था, आज मुझे याद है। तो सरकार तो आगे बढ़ करके हमेशा आदिवासियों का ख्याल रखती है, उन पर हमें गर्व है। मैं फिर कहना चाहूँगा उनके कारण से जो संस्कार संस्कृति परंपराएं बची हुई है उनको और मजबूत करने की आवश्यकता है। और मेरी उम्मीद है कि संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु, नाना भाई खाट, भीखा भाई भील, वीर बाला काली भाई, इन सब की प्रेरणा से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि